सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा तय नहीं होने से नाराज बरमाड़ा के ट्रक ऑपरेटर शनिवार से सीमेंट प्लांट के सामने तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन के लिए धरने देंगे। साथ ही सीमाओं पर नाकाबंदी करने के लिए समितियों का गठन करेंगे। उधर अडानी के कंपनी के माल भाड़ा विवाद हल न करने के बीच अल्ट्राटेक कंपनी ने सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा प्रति टन 13 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया है। पहले यह भाड़ा 10 रुपए 58 पैसे था, जो अब 10 रुपए 71 पैसे कर दिया गया है। दूसरी ओर दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 13 फरवरी को शिमला सचिवालय में बैठक करेंगे। उधर शनिवार को बागा स्थित अल्ट्राटेक की सभी सहकारी सभाओं के पदाधिकारियों के साथ भी बरमाड़ा जिला ट्रक सभा की बैठक होगी, जिसमें सीमेंट सप्लाई बंद करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा सभा से जुड़े सभी डीलर अंबुजा और ACC सीमेंट की बिक्री नहीं करेंगे। सभा ने सभी सदस्यों से अपील की है कि कोई भी सदस्य सीमेंट और बजरी रेता का ढुलान न करे। BDTS के महासचिव ने बताया कि ट्रक ऑपरेटर प्रदेश की सीमाएं सील कर बाहर से सीमेंट लेकर आने वाले ट्रकों को रोकेंगे। उधर मुख्यमंत्री सुक्खू ने दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटरों को 13 फरवरी को दोपहर 3 बजे सचिवालय में वार्ता के लिए बुलाया है। इसमें ट्रक ऑपरेटरों की कोर कमेटी की 16 सदस्यीय टीम जाएगी। न्यूज डेस्क एनालाइज।